दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो दर्जी की दुकान पर पहुंचे और दर्जी से कहा कि भैया हमारे ये वस्त्र मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे मथुरा के राजा ने कंस ने हमारे लिए भिजवाए, उन्होंने नहीं कहा कि मैंने एक मर्डर कर दिया और ये कौन से कैसे कहाँ पहने जाते मेरी समझ में नहीं आता, और कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, इनकी फिटिंग बना दो तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। दर्जी बड़ा ही अच्छा था, बहुत सज्जन था, उसने तुरंत भगवान कृष्ण बलराम के वस्त्र जो है एकदम काट पीट के फिटिंग किए हैं और भगवान कन्हैया को पहनाए हैं, तो कन्हैया बड़े अच्छे लगने लगे। अब तो कन्हैया ने खुश होकर के दर्जी से कहा कि दर्जी भैया मेरे पास रुपया पैसा तो हतना है और तू कोई हमसे वरदान मांग ले। दर्जी ने कहा हमें कछु ना चाहिए, बस तुम अच्छे ही लगते रहो। आज भगवान कन्हैया ने मन ही मन में उस दर्जी को वरदान दिया है कि जा दर्जी तू दिना रात सिलाई करिए, लेकिन तेरे यहां पर कभी ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। आज कपड़ा डारे हुए जाओ दर्जी के पास तो 10 दिन का वादा करेगा, फिर भी 15 दिन बाद फिटिंग करके दे पाएगा। ये इतनी भीड़ रहती है, ये कन्हैया का वरदान है कि दर्जी के यहाँ कपड़ों की कभी कमी नहीं रहती, हर समय सिलता रहता है। भगवान कन्हैया ने वरदान दे दिया। आज भगवान कन्हैया कपड़े पहन के और दर्जी को वरदान दे करके आगे बढ़े हैं, तो आगे क्या देखा है, भगवान कन्हैया की प्रेम दीवानी वो कुबेजा, जो कुबेजा पूर्व जन्म में त्रेता युग में यही कुबेजा भक्तों सूरपणखा थी जो भगवान राम को पति बनाने के लिए गई थी और राम ने लक्ष्मण के द्वारा सूरपणखा के कान कटवा लिए थे, तब वो सूरपणखा जहां मक्का मदीना बोलते हैं पुष्कर तीर्थ में जाकर तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद वरदान प्राप्त किया है और उसको वरदान मिला था कि द्वापर युग में यही तुम्हारे पति तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। आज वो वरदान पूरा होता है। कुबेजा कंस के दरबार में रोजाना चंदन लगाने जाया करती थी और उसी रास्ते में कुबेजा और कृष्ण की भेंट हो जाती है, तो कन्हैया जी ने कुबेजा को आवाज लगाई, ए सुंदरी, सुंदरी शब्द कहा भगवान कन्हैया ने, और सुंदरी कहा तो कुबेजा ने देख के मुड़के देखो कि ये कौन है आवाज लगा रहा है। कुबेजा को बहुत गुस्सा आ गई, गुस्सा इसलिए आई कि मैं कुरूपवान हूं इसलिए ये पुरुष हमसे सुंदरी कह रहा है, अब भगवान की मेरी मजाक बना रहे हैं। आज भक्तों कोई आदमी एक आंख से कानो होए कानुआ होए तो बात से तुम कनुआ कह दो काना कह दो, ठीक है, चाहे भले ही अपने लाला से कहो मेरे कन्हैया मेरे कनुआ मेरे काना, और कानो भम में निकल के जाए तो वो ये समझेगा को जी हमें देख के कह रो है, झगड़ा आया जावे को, कनुआ कनुआ मती कहे कनुआ जाए गो रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है। राजी से पास में बैठ के पीठ पे हाथ फेराए के और अच्छी तरह से खूब नजदीकियां बना करके पूछो को भैया जी आंख कैसे खराब भाई तुम्हारी तो सब बता देगो, और अगर दूसरे तरीका से पूछोगे तो झगड़ा है जावेगो तुम्हें पनी जैसो बनाई देगो। इसलिए यहाँ पर भगवान कन्हैया तो कह रहे हैं हे सुंदरी, सुंदरी का मतलब ये है कि उस कुबेजा के बहुत सुंदर लक्षण थे, शरीर से ही तो टेढ़ी थी, शरीर से ही कुरूपवान थी। आज हम यही देखते हैं दुनिया में अच्छे वस्त्र पहनने में लगे रहते हैं, चश्मा लगा लो डाई कर लो टाई लगा लो, चार चार छह छह धागे कलावे के बांध लेते हैं, 10-10, 20-20 अंटा लगाते हैं, पूरी गोल्डी खत्म कर देते हैं अच्छे लगने के लिए। धागा तो एक धागा ही काफी होता है, अच्छे ऐसे नहीं लगते। राम नाम की कोठरी चंदन जड़े किवा और तारी लागी प्रे
कृष्ण मोरा। राम नाम की कोठरी ये त्रेता युग की थी, उस कुबजा ने अपने हृदय में वो श्याम सुंदर बसा लिए थे, बस उन्हीं को देखना चाहती थी, दूसरे रूप को देखना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए कन्हैया ने उससे सुंदरी कह दिया। जब कुबजा ने कहा कि तुम हमसे सुंदरी कहोगे बिना परिचय के, बिना जानकारी के, तुम कौन हो? कन्हैया ने कहा सुंदरी पहचानो, पहचानो हम कौन हैं। तो भक्तों भगवान कन्हैया की कृपा, सुंदरी को पिछली बातें याद आने लगी। कन्हैया ने उसी समय कहा था कि हमारा तुम्हारा मिलन होगा, लेकिन हमें पहचान सको तो पहचान लेना। आज उसको पिछली बातें याद आ गईं। तो भक्तों किसी ने कहा है